नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, होम्योपैथिक एफोरिज्म। ठीक है, तो होम्योपैथिक एफोरिज्म सीरीज में ही आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे होम्योपैथिक एफोरिज्म 16। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एफोरिज्म 16। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो या आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, या आप हमारे जो भी इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एफोरिज्म 16 को शुरू करते हैं। तो पहले एफोरिज्म 16 को हम पढ़ें कि एफोरिज्म 16 कहना क्या चाहता है, इसका टेक्स्ट क्या है, फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे जैसा कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो एफोरिज्म 16 बोलता है, आवर वाइटल फोर्स एज ए स्पिरिट लाइक डायनामिक्स कैन नॉट बी अटैक्ड एंड अफेक्टेड बाई इंजूरियस इन्फ्लुएंसेज ऑन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म काउज्ड बाई द एक्सटर्नल इनिमिकल फोर्स डैट डिस्टर्ब द हारमोनियस प्ले ऑफ लाइफ अदरवाइज देन इन अ स्पिरिट लाइक डायनामिक वे इन अ लाइक मैनर ऑल सच मॉर्बिड डीअरेंजमेंट डिजीज कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम इट बाय द फिजिशियंस इन एनी अदर वे बाय द स्पिरिट लाइक डायनामिक वर्चुअल अल्टरनेटिव पावर ऑफ द सर्विसेबल मेडिसिन एक्टिंग अपन आवर स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स विच परसीव देम थ्रू द मीडियम ऑफ द सेंटियंट फैकल्टी ऑफ द नर्व एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक सो डैट इट इज ओनली बाय देयर डायनामिक एक्शन ऑन द वाइटल फोर्स that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony after the changes in the health of the patient cognizable by our sense the totality of symptom has revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to क्योर इट। ठीक है, तो इससे पहले वाले एफोरिज्म 15 में हम लोग देखे थे कि वाइटल फोर्स और बॉडी अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से। तो अब आगे बोलता है एफोरिज्म 16 ही बोलता है कि हमको पता है कि जो मेरे बॉडी को जो ड्राइव करता है ना, वो कौन करता है, हमारा एक वाइटल फोर्स करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स अगर मेरा एनर्जी है तो वाइटल फोर्स को इफेक्ट कौन करेगा, इनर्जी ही करेगा। बेसिक फिजिक्स का रूल है कि इनर्जी को डिस्टर्ब कर आप इनर्जी से ही कर सकते हैं, मैटर से नहीं कर सकते। ठीक है, इनर्जी को घटाना हो, इनर्जी को बढ़ाना हो, किसे बढ़ेगा, इनर्जी से ही बढ़ेगा ना जी। इनर्जी को तो हम मैटर से नहीं बढ़ा सकते, मटेरियल से नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो अगर मेरा वाइटल फोर्स कैसा है, हमारा वाइटल फोर्स डायनामिक है, हम ये पढ़े हैं कि मेरा वाइटल फोर्स कैसा है, डायनामिक है। तो डायनामिक जो है इसको इफेक्ट कौन करेगा, मान लो डिजीज है तो वाइटल फोर्स को इफेक्ट करने के लिए, वाइटल फोर्स को डीअरेंज करने के लिए डिजीज को भी कैसा होना होगा, डायनामिक होना होगा, तब ना वाइटल फोर्स को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेरा वाइटल फोर्स तो डायनामिक है। तो वाइटल फोर्स को जो अफेक्ट करेगा वो कौन करेगा, डायनामिक फोर्स ही कर सकता है। ठीक है, तो जो डिजीज मेरे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो कैसा होगा, डायनामिक वे में प्रोड्यूस होगा, यानी कि हम डिजीज के मटेरियलिस्टिक काउज को नहीं देखेंगे। अगर हम डिजीज के मटेरियलिस्टिक काउज को देखने जाएंगे तो हम उसके असली एक्शन को हटा ही नहीं पाएंगे जो उसका डायनामिक एक्शन है। ठीक है, तो डिजी डायनामिक। और अगर हमको वाइटल फोर्स को ट्रीट करना है, हमको क्योर अचीव करना है, ठीक है, तो क्योर अगर हम अचीव करेंगे तो जो हम मेडिसिन देंगे क्योर अचीव करने के लिए, मेडिसिन को भी कैसा होना होगा, डायनामिक होना होगा, क्योंकि अगर डायनामिक मेडिसिन नहीं होगा तो वो वाइटल फोर्स को अरेंज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाइटल फोर्स मेरा डायनामिक है। तो डायनामिक को डीअरेंज भी डायनामिक करेगा और डायनामिक को रीअरेंज भी डायनामिक करेगा, यानी जो हम लोग मेडिसिन देते हैं पोटेंटाइज फॉर्म मेडिसिन होता है ना, पोटेंटाइजेशन होता है, तो पोटेंटाइजेशन में क्या होता है,
टाइल्स का डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डायनेमिक पावर। ठीक है, हम लोग सकसन से, हम लोग उसको टाइचुरेशन से, हम क्या करते हैं मेडिसिन के डायनेमिक पावर को इंक्रीज करते हैं, उसका लेटेंट डायनेमिक क्यूरेटिव पावर। ठीक है, तो किसी भी डिजीज अगर हमको हो रहा है तो मेरे डिजीज क्या हो रहा है, मेरे डायनेमिक फोर्स को इफेक्ट कर रहा है, मेरे वाइटल फोर्स को इफेक्ट कर रहा है, तो डिजीज को भी डायनेमिक होना होगा। और अगर हमको सही से ट्रीट करना है डिजीज को, अगर हमको सही से क्योर को अचीव करना है सही मायने में, तो हमको क्या देना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, अगर वाइटल फोर्स डायनेमिक है तो उसको सही भी डायनेमिक चीज ही करेगा और उसको खराब भी डायनेमिक चीज ही करेगा। ठीक है, और उसी डायनेमिक फोर्स का अफेक्शन जो मॉर्बिड अफेक्शन होता है, ठीक है, वो कहाँ शो होता है मॉर्बिड अफेक्शन उसका, हमारे बॉडी पे। ठीक है, किसके फॉर्म में, सिम्टम के फॉर्म में। तो हम अगर मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमको वाइटल फोर्स अंदर में दिखेगा कि मेरा वाइटल फोर्स जो है ये इस कोने में डैमेज, ऐसा तो नहीं दिखेगा। तो वाइटल फोर्स कैसे अपने आप को बताएगा कि हम डीअरेंज हो चुके हैं, डिजीज के फॉर्म में मेरा बॉडी सिम्टम शो करने लगेगा, एबनॉर्मल फंक्शन, एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल फंक्शन शो करने लगेगा, जिससे कि हम बोलेंगे कि अच्छा मेरा वाइटल फोर्स ऐसा डीअरेंज हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन है उसका सेलेक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, और वो मेडिसिन कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। अगर हम मटेरियलिस्टिक मेडिसिन को चूज करेंगे तो क्या करेंगे, केवल डिजीज के मटेरियलिस्टिक कॉज को अटैक, लेकिन उसका डायनामिक जो चीज़ था वो तो मेरे डायनामिक फोर्स को अफेक्ट कर चुका है। ठीक है, तो हम उसके डायनामिकली तो ट्रीट नहीं कर पाए, हम सिर्फ और सिर्फ उसके मटेरियलिस्टिक काउज को हटा दिए, तो जो मेरे बॉडी को वो डैमेज दे चुका है वो डैमेज तो परमानेंट रह जाएगा ना, उस डैमेज को रिमूव करने के लिए हमको डायनामिक मेडिसिन का सिलेक्शन करना होगा। यानी कि अगर हम क्योर अचीव करना चाहते हैं, जो फॉर्म वन में है फिजिशियन का मिशन, अगर हम क्योर अचीव करना चाहते हैं तो हमको डायनामिक मेडिसिन यूज करना होगा। क्यों करना होगा, इस बारे में हम लोग देखें कि मेरा वाइटल फोर्स डायनामिक है, तो डायनामिक चीज को अगर कोई डिजीज अफेक्ट कर रहा है तो डिजीज भी डायनामिक होगा, और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज होगा वो भी डायनामिक होगा। ठीक है, तो पूरे 16 समझ में आ गया। तो डायनामिक जो चीज़ है उसको फिजिशियन कैसे समझेगा, तो जो मेरा वाइटल फोर्स जैसा सिम्टम्स शो करेगा, जैसे कि हम दुखी हैं तो हम कैसे कोई समझेगा सामने वाला कि हम दुखी हैं, तो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा, मेरा जो एक्शन होगा, हम खुश हैं तो सामने वाला कैसे समझेगा हम खुश हैं, हम हंसेंगे, मेरा बॉडी एक्शन अलग रहेगा, जिससे सामने वाला समझेगा कि हम दुखी हैं या हम खुश हैं। तो उसी तरह अगर मेरा वाइटल फोर्स डीअरेंज होगा तो फिजिशियन कैसे समझेगा, कैसे समझेगा, जो हम सिम्टम को शो करेंगे, सिम्टम मतलब जो हम एक्शंस मेरा बॉडी शो करेगा उसके आधार पर हम समझते हैं कि मेरा वाइटल फोर्स डीअरेंज हो चुका है, और उसको रीअरेंज करने के लिए हमको फिर से डायनामिक मेडिसिन का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला फॉर्म देखेंगे। धन्यवाद।